अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंस ऑनलाइन एकेडमी। टुडे लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, स्केलर्स वेक्टर्स कंटिन्यू। बहुत टॉपिक आए एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उनमें हेड टू टेल रूल सा उनके टच के लाफ ट्रायंगल टच के सी आने में अनुदाते एडिशन जो काफी चेंजमेंट आने मिसाल असा एडिशन में इवन प्रॉपर्टीज आ रही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो जेकर फर्स के हो असामट एकड़ो वेक्टर ए या ए वन आ एंड वेक्टर ए टू आ समझा रिजल्टेंट वेक्टर है ई ए रिजल्टेंट वेक्टर तो वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या लगो ए वन प्लस ए टू a1 plus this is resultant vector sum of a1 plus a2 and commutative property chahiye dekhe na ma in the resultant vector mana vector ki position change kiya pe a2 likha bari a1 likha to ko fark hota hai dekhe na a1 ki kimat 4 a2 ki kimat dekhe na 8 a The resultant vector is equal to a1 plus a2, resultant vector is equal to 4 plus 8, resultant vector is equal to 12 unit. पर देख रहे मान के वाले इन तरीके से लिखा resultant vector is equal to पर a2 तो लिखा plus a1 मां वेक्टर की पोजीशन टेक ओके resultant देखो बस कौन कौन दो resultant vector अगेन रिमेन सेम माना ए टू एटा ए वन फोर आ तो जवाब तो आ के गरीब ट्वेल्व यूनिट यानी कंप्यूटर की प्रॉपर्टी की डिफाइन कर लो कंप्यूटर की प्रॉपर्टी या कंप्यूटर की लॉ जो सदा सही है तो कंप्यूटर की प्रॉपर्टी लिखो या कंप्यूटर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस लॉ स्टेट्स दैट बाय चेंजिंग द पोजिशन By changing the position of vectors, comma there is no change. There is no change produces in its. एडिशन और रिजल्टेंट अगर वेक्टर की पोजीशन चेंज कर दो तो सम रिजल्टेंट में का चेंज प्रोड्यूस होती है रिजल्टेंट सॉल्व हो जाता है ये एग्जांपल को लेना a1 + a2 कहो
या ए टू प्लस ए वन के इन्हीं जो जोड़ सा होती है। लेकिन अगर ग्राफिकली ऐसा नोट कहीं ग्राफिकली नोट कहीं हूँ तो हम लाल साकी थी ऐसा ली एक्स वाई प्लेन ड्रा के काम अटिक रहा था वेक्टर साइन फर्स्ट के को वेक्टर है ए वन को वेक्टर ए वन आ को वेक्टर काम अटिक ए टू आ अने ए वन आ जो ए टू आ पहला था ए वन करूं टेल करूं ओरिजिन दे रखो जे डायरेक्शन में आए जे थ्रू बाय है उसके हां ए वन के मां ए टू जो टेल करूं फर्स्ट जे हेड पे इता ए टू के मां ओके तानी सारी मां थोड़ो फिगर की मत हो गया रिपोर्ट भी फिगर में चली गई तो फिगर मत ठीक है करते करते हैं। एवं कर्मवा ओरिजिन टेल रखो ओरिजिन दे जेम डायरेक्शन में आए जित्रो बाय फर्स्ट के हो यो सा एवं के हो और इता ए टू करो टेल इन्हें ये एट रखो कि टेल करूंगा प्यान ये एट रखूंगा कि फर्स्ट के एट टू है तो जो रिजल्टेंट सो ही चाहे बाबा ये रिजल्टेंट बेटा रिजल्टेंट था ए ए वन ना ए टू आ रिजल्टेंट है और पहला आर्डर मुताबिक चार जो दूं पहला ए वन रखे तो मरी ए टू रखे तो पर तमाम जी मर्जी है लेकिन आप पहला तमाम ए टू रखो इस आलानी फर्स्ट केवल दाल सागी दीदी रिजल्टेंट का थ्रू जान जो तो यो रिजल्टेंट वरी साबो थिनो जेकरा सबनी वेक्टर की पोजीशन टीम का के रिजल्टेंट वरी साबो थिनो अरे ते थोड़ो तो कोई तरह ना कदम मैं मिनट तेरे सन ये पीरियड का नहीं नी सो तवा साबो ये वेक्टर के होना ये जो ए वन आई पेरा ना रख पेरा ए वन दर दे तो आप पेरा ए वन रखो ये सा ए वन रखो तो सारी ए टू पेरा ए टू दर रखो वरी ए वन दर ए वन मना आसानी मर्जी आए लाल मिला है तो पेरा ता ए वन रखो ता पेरा ए टू रखे सब होता है ये तो पेरा सा ए वन खेवा पो ए टू खेवा या पेरा सा ए टू करो न का पो ए वन करो तो जोड़ के को फर्क हो मिसाल पेरा सा खेवा है ए वन जो को मते दो ने 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 का पो ए टू जो टेल ए वन जे हेड ते रखियो तो रिजल्ट अगर रिजल्ट रेंडर थींदो आहे फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर हाणे असां फर्स्ट वेक्टर हेड हूंदा कनि ओरिजिन ते रखियोसीं हे सेकंड वेक्टर असां जो हेड हुआ जेको हिन डायरेक्शन में हुओ सेकंड वेक्टर असां जो हेड हुआ पर रिजल्ट रेंडर सभु कीअं ई आहे तीअं रिजल्ट रेंडर ते असां लॻंदो रिज़ल्ट तव्हांजो हे सभु ईंदो रिज़ल्ट माना ते जेकर रिजल्ट जी एंगल ॾींदासीं हीअ एंगल हीअ एंगल माना लेंथ लाइन जी लेंथ लाइन सभी थींदी को फ़र्क़ु कोन्हे स्ट्रक्चर तब्दील थी थिए हाणे हीअ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आहे ग्राफिकल अब वेक्टर जी पोज़ीशन चेंज कई आहे सॉरी वेक्टर जी पोज़ीशन चेंज कई अथव त ॾिसो त को बि असर रिज़ल्टेंट ते न पियो हाणे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सभी आहे रण कम्युनिटी प्रॉपर्टी लाज़मी आहे त ॿ इस्तेमालु तव्हां मिनी वेक्टर्स मिलाईंदा वञो हाणे इहो लाज़मी न आहे त तव्हां वटि वेक्टर आहे यानी फर्ज़ कयो ए बी सी डी वेक्टर आहे त तव्हां लाज़मी न आहे त पहिरियां ए रखो त अहिड़ा तव्हां सी रखे सघो था पहिरियां डी रखे सघो था पहिरियां बी रखे सघो था तव्हांजे रिज़ल्ट साॻियो असां वेक्टर मां एग्ज़ाम्पल कयो लेकिन टे वेक्टर पहिरियां ए रखो बी रखो सी रखो रिज़ल्टेंट कढो वरी पहिरियां पोइ वरी सीअ खे रखो वरी बीअ खे रखो वरी रिज़ल्टेंट वरी साॻियो थींदो इहा कम्यूनिटी प्रॉपर्टी आहे त वेक्टर जी पोज़ीशन चेंज कंदो तव्हां लाज़मी न आहे त पहिरियां ए वेक्टर रखो जेका तव्हां वेक्टर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर आहे या ए बी सी डी सूरत में आहिनि तव्हां स्टार्टिंग कहिड़े वेक्टर खां
फिर हम एक कड़ो करे सकूता लास्ट में कड़ो करे सकूता आखिर में जो जोड़ थी सभी सागो थी या कम्यूटेड प्रॉपर्टी या बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ वेक्टर्स देयर इज नो चेंज प्रोड्यूस्ड इन इट्स रिजल्टेंट तो हमें जरूरत नहीं में कोई फर्क नहीं ना कोई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन यानी कि घट में घट वेरीफाई करो ट्रिन वेक्टर अंदर ये वध में वध केतरा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी घट में घट बिन वेक्टर अंदर ये वेरीफाई कभी वध में वध केतरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जिकर फर्स्ट जो ट्रे वेक्टर अंदर आ एक वेक्टर ए आ एक वेक्टर बी आ एक वेक्टर सी आ और इमेज दिया तो ट्रिनी जो रिजल्टेंट अनुसार ये ट्रे वेक्टर अंदर लाजमी है केड़ा वेक्टर पपेरा ऐड करो पहला मार्ग जिकर है ए प्लस बी तो ऐड गया अन्य का पे बाद में सी तो रखा या पहला मार्ग ए बी एसोसिएशन पे आ तो सी एस आ बी ए की अलग तो गया या मुझी मर्जी आ तो पहला सी ए के ए सा तो ऐड गया यानी ए बी बची हो या वरी बी ऐं सी था पाण में रखूं ऐं बाद में ए था ऐड कयूं त हिन जो रिज़ल्टेंट वारा हिन जो रिज़ल्टेंट ॾींहं में जोड़ हिन जो रिज़ल्टेंट जोड़ ते को फ़र्क़ न पवंदो रिज़ल्टेंट टिनी जो साॻियो रहंदो को फ़र्क़ कोन पवंदो आहे टे वेक्टरनि तव्हां पहिरियां ए ऐं बी ऐड कयो बाद में सी ऐड कयो या पहिरियां ए ऐं सी ऐड कयो बाद में बी ऐड कयो या पहिरियां बी ऐं सी ऐड कयो बाद में ऐड कयो रिज़ल्टेंट जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन साॻियो रहंदो मैक्सिमम डिफरेंस हाणे हिनखे डिफाइन कीअं कंदो डिफाइन हाणे घटि में घटि टे वेक्टर खपंदा आहिनि वध में वधि केतिरा या तव्हां वटि चार पंज वेक्टर आहिनि तव्हांजी मर्ज़ी आहे त कहिड़ा बि ॿ अशरात कयो एडिशन में फ़र्क़ु कोन पवंदो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर वेक्टर एडिशन फॉर वेक्टर एडिशन दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ We have given three vectors, then we allowed that. First we add any two vectors. तसा चलो अब आसा पेरा के बा वेक्टर है first we allowed then we allowed that first we add any two vectors and remaining one in last and remaining one in last hai jo akelo hai unhe kya karne ka to yun ta misal lena je agar ta tre vector sun to ta ke alo ani tini ma ke bu ta add ke misal ab ta add ke hu ai baad me c ta add ke misal ac ta add ke hu baad me b bc ta add ke hu baad me ye associative property sab diya jo ka vector addition mein
अंगवासन। हाँ जो था नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन के अगर बताएं था क्या एडिशन में कुछ करा डायरेक्ट मेथड है वो थोड़ा सा उनके ट्राई था कि ये किसे बंदा मिसाल है हाँ एडिशन में भी कोलिनियर लिखने जा हुआ लेकिन असान ये एडिशन आ रही थी एडिशन आ रही कर टॉपिक कंटिन्यू असान कोलिनियर टी एडिशन में थी या कोलिनियर जो मतलब आए तो वेक्टर सागी लाइन भी हो जाए कोलिनियर माना सागी लाइन में बने वेक्टर मिसाल वेक्टर हो जाए और फर्स्ट के ये क्या है एक दीवार ते ये जोर लगी रहे हुआ F1 is equal to 10 न्यूटन कोलिनियर तीसरे घंटा सारी एक सेम डायरेक्शन में तीसरे घंटा मान मिसाल जो वेक्टर है ये सारी लाइन में है फर्स्ट ये F2 is equal to 8 न्यूटन ये कोलिनियर सर्वा या इन सेम डायरेक्शन एक लाइन में ना इन तपो एक बिजी पैरालल मना सेम डायरेक्शन में ना नहीं हेडिंग इसमें जिस बता रहे हैं तपो ये रिजल्टेंट वेक्टर जगह ना एफ आ तपो ये बाबा सिंपल दिया जगह ना वेक्टर वेक्टर ना सारी डायरेक्शन में जो ना सिंपल ही नहीं हेड कर जो एफ वन प्लस एफ टू The resultant is equal to 10 plus 8 is equal to 18 unit. Yeah, 18 newton. Yaad rakhiye, jekar saagi direction mein hota hai, simply bhi yehi kar chalo. Hai jekar first ke ho, opposite direction mein, wahi vector jekar opposite direction mein. Opposite direction mein to poi bini jo अने जिगर सेम डायरेक्शन में हैं तो बावजूद प्रयोजन प्रयोजन तो मैक्सिमम रिजल्ट मिला दिया मैक्सिमम रिजल्ट मिला दी जिगर एक प्रस सभी सारे डायरेक्शन में होंगे पर जिगर फर्स्ट के हो बावजूद अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो मिनिमम रिजल्ट मिला दिया हमारा रिजल्ट जीरो की जगह थी जीरो और इतना है जिगर भाई एक प्रस मैग्नीट्यूड में साधा और जनरल में पटा पर जिगर अपोजिट आएं मैग्नीट्यूड साबुन आए तब कोई रिजल्ट जीरो तो ना होगी पर मिनिमम से मिसाल एफ इज इक्वल टू एक रो के होम दो तब यू रन जा पॉजिटिव तो माइनस एट जा जीरो इज इक्वल टू तो वेक्टर एडिशन में लेकिन हम वेक्टर सागे डायरेक्शन में है ना वेक्टर सागे डायरेक्शन में है सिंपल ऐड कर चलिए पर जगह ना बावे इतने आपोजिट में हैं तब वो डिफरेंस ही नहीं होगा वो मिनिमम रिजल्ट बन पड़ेगा ये है ताँ आसमान पे जो नहीं हुआ 8 10 10 जो मैक्सिमम है मिनिमम के लिए क्यों हुआ मैक्सिमम वैल्यू आए 18 मिनिमम वैल्यू आए 2 मैक्सिमम वैल्यू भाई वेक्टर सारी डायरेक्शन में आ तो बिनी वेक्टर के दरमियान एंगल हुई 0 डिग्री 0 डिग्री एंगल होंगे तो मैक्सिमम एडिशन मिला दिया विद वेक्टर के दरमियान पर जगह ना एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 होंगी 180 तो पोए ता रिजल्ट का दी मिनिमम विद वेक्टर के 180 ते मिनिमम रिजल्ट 0 एंगल ते मैक्सिमम रिजल्ट ते यूज नहीं कर आई जगह ना फर्स्ट के ओबा वेक्टर वाली परपेंडिकुलर डी में है परपेंडिकुलरली माना फर्स्ट के एक और वेक्टर है एफ वन इक्वल 10 न्यूटन ब्यू वेक्टर है ये फर्स्ट के वो एटा ये फर्स्ट के वो सिक्स एफ टू इक्वल टू 6 न्यूटन अनेक डी पार्टी तो दूर लगी रहे हुआ 8 न्यूटन बी ते अनेक बार वेक्टर एक भी जा परपेंडिकुलरली में या परपेंडिकुलर समझी बवेक्टर एक में सार 90 डिग्री अधिक दाखल आए थे एक में सार 90 डिग्री दाखल आए थे
हुजनि पाण ई पाण में हिकु हुनजी नाइंटी हुजे किथे ॿ वेक्टर पाण में हिकु ॿिए सां नाइंटी ते हुजनि त पोइ यादि रखी ॾिनो त हिकिड़ो वेक्टर एक्स ते तसवर कयो वई त हिकिड़ो वेक्टर वाय ते तसवर कयो वई पोइ आहे परपेंडिकुलरिटी आहे माना हाणे फर्स्ट कयो हेॾे 8 न्यूटन लोड थो लॻे हेॾे 6 न्यूटन लोड थो लॻे त रिज़ल्टंट ज़ोर न को हेॾे वेंदो न को हेॾे वेंदो विच आहे रिज़ल्टंट फोर्स नओं डायरेक्शन में हाणे रिज़ल्टंट फोर्स ई केतिरो आहे रिज़ल्टंट फोर्स आहे इहो केतिरो आहे हिन जो मैग्नीट्यूड केतिरो आहे हीउ नओं फोर्स नओं वेक्टर केतिरो आहे हिन जी लाइन जी लेंथ या मैग्नीट्यूड ज़ाहिर कंदी आहे लेंथ रिज़ल्टंट वेक्टर केतिरो आहे रिज़ल्टंट वेक्टर जो मैग्नीट्यूड केतिरो आहे त यादि रखे छॾियो त हिन लाइ तव्हां पाइथागोरस थ्योरम हिते करे आया आहियो त रिज़ल्टंट फोर्स जो मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलरिटी में यादि रखिजो हिकिड़ो एक्स जो हिकिड़ो वाय जो हिकिड़ो एक्स स्क्वायर प्लस वाय स्क्वायर द रिज़ल्टंट फोर्स इज इक्वल हाणे एक्स जो वैल्यू यानी एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर दैट इज इक्वल रिज़ल्टंट फोर्स इज इक्वल यानी एट स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर तई थी वञे रिज़ल्टंट फोर्स इज इक्वल अंडर रूट हुनजो मैग्नीट्यूड 64 36 resultant force is equal to 100, resultant force is equal to 10 newton. And here, the newton force. When I call force, first I call 8 newton, I call it, and my force is 8 times 90, and I call it 10 newton. And here, perpendicularity, ऐं कोलिनियरिटी में डायरेक्ट जेकॾहिं कोलिनियरिटी आहे ॿ वेक्टर साॻे डायरेक्शन में एड करे छॾियो ॿ वेक्टर अपोज़िट डायरेक्शन में आहिनि त डिफरेंस करे छॾियो ऐं जेकॾहिं ॿ वेक्टर परपेंडिकुलरिटी में आहिनि 90 डिग्री कॾहिं हिक ॿिए सां त पोइ हीउ फॉर्मूलो इस्तेमालु थींदो हिन करे कोई आहे प्रैक्टिस कंदा रहो वैल्यूज़ विझी हिन फॉर्मूलास खे जेको आहे सो प्रैक्टिस में आणियो ऐं फॉर्मूलो यूज़ कयो पर जेकॾहिं एंगल ज़ीरो बि न आहे थेटा इज इक्वल नॉट इक्वल ज़ीरो थेटा नॉट इक्वल टू 90 न आहे परपेंडिकुलर न आहे थेटा नॉट इक्वल टू 180 हिननि खां अलावा जेकॾहिं एंगल हुजनि जेकॾहिं हिननि खां सवा एंगल हुजनि ॿ वेक्टर ज़ीरो एंगल ते बि न आहिनि ॿ वेक्टर 90 ते बि न आहिनि ॿ वेक्टर 180 ते बि न आहिनि पर ॿ वेक्टर 20 डिग्री ते आहिनि 30 ते आहिनि 40 ते आहिनि 50 ते आहिनि या 110 ते आहिनि या 170 ते आहिनि हिननि एंगल खां सवाइ जेकॾहिं ॿियूं एंगल आहिनि त पोइ उन लाइ जेकॾहिं ॿ वेक्टर मुख़्तलिफ़ माना 10 एंगल आहे 30 एंगल आहे 40 एंगल आहे 60 आहे त पोइ हिननि जो जोड़ हिननि जो रिज़ल्ट कीअं कढिबो उन लाइ हिकिड़ो फॉर्मूला आहे कोसाइन लॉ अचो था थोरो कोसाइन लॉ खे टच कयूं हाणे कोसाइन लॉ कोसाइन लॉ उहो आहे मैथमेटिकल फॉर्म कोसाइन लॉ जो ओनली फॉर टू वेक्टर्स ओनली फॉर टू वेक्टर्स ॿिनि वेक्टर्स लाइ कोसाइन लॉ ए प्लस बी यानी ॿिनि वेक्टरनि जे एडिशन जो मैग्नीट्यूड ॿिनि वेक्टरनि जे जोड़ जो मक़दार इज इक्वल टू अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर जो स्क्वायर सेकेंड वेक्टर जे मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट वेक्टर जो मैग्नीट्यूड सेकेंड वेक्टर जो मैग्नीट्यूड कोसाइन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स This is the angle between the vectors. ॿ वेक्टर आहिनि मिसाल हिकिड़ो वेक्टर ए आहे हिकिड़ो बी आहे
ये कैथरीब एंगल दे रहा है, कैरीब एंगल होंगी, ये थेटा लिखा है ऐसा ही एंगल दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये वेक्टर एगा, ये वेक्टर ए कितना ए जो वैल्यू, ये वेक्टर बी आ उन जो वैल्यू कितना सी संदान रिजल्टेंट के थ्रू आ संदान रिजल्टेंट जो विदार माना ए प्लस बी जो मैग्नीट्यूड के थ्रू आ या सिंपल रिजल्टेंट के आर सामने कहना इज इक्वल टू वाट यानी बिनी वेक्टर ये जोड़ जो विदार के थ्रू आ कोसाइन ला इस्तेमाल कर दिया लेकिन असि कोसाइन ला cosine law is used for to measure cosine law is used for to measure the magnitude measure the magnitude of resultant magnitude of resultant of two vectors resultant of two vectors if an angle between if an angle between them is known if an angle between them is known he last istemal karwa bin vector ke जोड़ जो मिकदार लड़ने लाय बिन वेक्टर जे एडिशन जो मैग्नीट्यूड लड़ने लाय पर शर्त कहो तो बिनी वेक्टर जे दरमियान असांगे एंगल जी खबर हो जाए तो बे वेक्टर पान में कितनी एंगल दिए तो पोए बिनी जो जोड़ के थोड़ी तो ये कोसाइन ला इन अपने कुछ प्रॉब्लम्स तो कहीं था जो थोड़ों ने इस्तेमाल किया मिसाल हाँ कड़ी भी एंगल ला इस्तेमाल कर सकता याद रखे कड़ी भी एंगल ला मिसाल कोलिनियरिटी जीरो एंगल इफ थेटा की कारण फर्स्ट के ए की कीमत है 10 बी की कीमत है फर्स्ट के 20 यूनिट जनरल डिस्ट्रिक्शन है कड़ा भी प्रति सकता 10 यूनिट 20 यूनिट एंगल जो है जीरो डिग्री तो सिंपल गाल एंट्री टेस्ट में वेटा है तो जो एंगल जीरो अच्छी तो अभी आर इज इक्वल टू ए या सिंपली ए प्लस बी माना बिनी रिजल्ट जोड़ कर प्लस बी माना जवाब टेन प्लस ट्वेंटी इज इक्वल जवाब थर्टी डिग्री जरूरत ना है कोसाइन ला इस्तेमाल पर कोसाइन ला तक सामू ही जवाब प्रैक्टिस कर सिर्फ डायरेक्ट में करा जीरो एंगल तो कोसाइन ला की जरूरत ना है बई सिंपली एड कर जवाब टीको मैक्सिमम जवाब एडिशन मैक्सिमम जवाब गिवन वैल्यूज मुताबिक एंगल जीरो कोसाइन ला कर तक सामू जवाब हों पर कोसाइन ला इन सूरत हाल में इस्तेमाल करना टाइम थोड़ा वेस्ट थी इन इक्वालिटी हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए की कीमत है 10 प्लस बी की कीमत है 20 प्लस टू इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस ऑफ जीरो डिग्री तो बाबा दिस वन इक्वल टू 100 प्लस 400 प्लस 400 चौकान बस इंटू टू 400 प्लस कास जीरो वन के बराबर इंट का जीरो वन के बराबर तो ये वही तुम वेन थी बाबा कि 400 टोटल थी वही 900 जो रूट तक खबर आ 30 डायरेक्ट कंदोग्राम में आगे 30 आया याद रखे चलो इन नमूने से
figure out that if you have a problem with your angle, you will be zero. एंगल 60 या
ताने पूरे जवाब जिके याद रखने की जरूरत है कि जीगा जिका खास हुआ ही है तो बाबी पूरे एक रो टेना एक रो ट्वेंटी आए ने जो वाले में वो जवाब ट्री या जो को मैक्सिमम आ मैक्सिमम भी यू ट्री है जिको आस हो वो जीरो इन्हीं ते जिका मैक्सिमम भी मैक्सिमम 30 जीरो एंगल ते मोनो हेट जीरो एंगल ते बई जोड़ कबा है वरी मिनिमम जवाब ने जो है 10 बई सबट्रैक्ट कबा मिनिमम हेट 180 डिग्री ते घट में घट जवाब पर याद रखे जड़ो त इनन का अलावा जेके भी एंगल सुन दी पा जीरो ए 180 के दरमियान जीरो ए 180 के दरमियान या इन का वडी एंगल जेके पोजु जवाब समूला समूला जवाब याद रखे जड़ो ये ने या समूला जवाब दान का वधी कई ट्रियन का घटुंग माना इन एंगल का सवा है जीरो ए 180 का सवा है या जेके एडिशन का जवाब होगा बेन एंगल्स पे और कोसाइन का भले इस्तेमाल करें सो फिर सभी एंगल ते जवाब जेके होगा ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 30 या समूरा जवाब दान का वड़ा होगा इंट्री एंड का नंदा होगा बियर इंग्लिश में एट अदर एंगल्स एट अदर एंगल्स जब सभी एंगल के जवाब जिके बता एट अदर एंगल्स माना जीरो ए 180 का सवाल में जिके भी इंगल जवाब इस्तेमाल कर दो जवाब विद एन माना घट में घट वैल्यू और वध में वध वैल्यू के दरमियान जवाब होगा समूह दान का वधी का होता प्रियं का घट होता ठीक है बाबा ये वजह को लेक्चर की टाइमिंग के थे तमदा की वजह के कंटिन्यू करा देते हैं अल्लाह हाफिज़।